गोचो के इस कस्टमाइजेशन को अपने Xiaomi Redmi Poco डिवाइस में कर पाना गाइस काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ चीजें डाउनलोड करनी है, कुछ चीजें आपको आपके Xiaomi थीम स्टोर में मिल जाएंगी, कुछ आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी जैसे कि KWGT कस्टम विजिट मेकर प्रो की यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो कोई भी अच्छी सी विजिट फ्री कस्टम विजिट मेकर से भी लगा सकते हो। फिलहाल प्रो की के बारे में अगर आपको बताऊं तो आप इसको गूगल से बिल्कुल फ्री निकाल सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आप यहाँ से इसको पेड परचेज करो। एंड यहाँ पर सेकंड आपको चाहिए ग्रेडियंट KWGT विजिट पैक, ये बिल्कुल फ्री आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना एंड इसके लिए ही आपको प्रो की नीड होगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इन वॉलपेपर्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो इन वॉलपेपर्स को मैंने खुद से ही मॉडिफाई किया, हो सकता है आपको ये किसी ऐप पर या फिर गूगल पर कहीं भी ना देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इन दोनों वॉलपेपर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो अपना डिस्क्रिप्शन से जाकर इनको डाउनलोड कर लेना, काफी अच्छे वॉलपेपर्स हैं डिसेंट क्वालिटी के साथ में। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस सेटअप को करना कैसा है। सबसे पहले तो विजिट वगैरह के यहाँ पर अब नीड नहीं है तो इसको हटा देना। एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये लाइट मोड सेटअप है, ठीक है, तो अपना डार्क मोड ना ऑफ रखना, तभी यहाँ पर ठीक से थीम सपोर्ट कर पाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ मैं थीम्स बता रहा हूँ अपने Xiaomi थीम स्टोर से जाकर, उन थीम्स को डाउनलोड कर लेना जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे अप्लाई कर देना। तो पहली थीम का नाम है गाइज इजी लाइफ, काफी मिनिमल सी थीम है एंड काफी अच्छा इसमें मुझे सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। हल्का सा इसका बैकग्राउंड ऑफ व्हाइट रहेगा जैसे मैंने अपना वॉलपेपर्स का रखा है, ठीक है, तो मुझे ओवरऑल अच्छी थीम लगी। तो इसको फुल्ली अप्लाई कर देना यहाँ से जो अप्लाई ऑप्शन आपको दिख रहा है वहां पर टैप करके। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड थीम की अगर बात करूँ तो सेकंड थीम का नाम है मिनिमल V13। तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस थीम को जानते होंगे, पहले मैं इस थीम को इसके कंट्रोल सेंटर के लिए दिखा चुका हूँ, ठीक है, तो इसका कंट्रोल सेंटर ही हम यूज करेंगे। उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल में आ जाना, यहाँ पर आपको कस्टमाइज थीम का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको एक स्टेटस बार वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से मिनिमल V13 को अप्लाई करना होगा आप लोगों को। एंड थर्ड वाली जो थीम है गाइज उसका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिंपल लाइन। अब इसके आइकन्स यार मुझे काफ़ी अच्छे लगे, सिंपल लाइन टाइप के आइकन्स ही हैं एंड आपको ब्लैक आइकन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मोस्टली है वाइट होते हैं बट मैंने यहाँ पर इस बार ब्लैक ढूंढे। तो इनको अप्लाई करने के लिए अपना कस्टमाइज वाला जो सेक्शन है ना वहाँ से सिर्फ एक आइकन का टिक लगाकर इस थीम को अप्लाई कर देना, तो आपको आपका आइकन्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद में जो अपनी लास्ट वाली थीम है उसका नाम है मार्बल ब्लैक, इसकी लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी आपको इसमें स्मूथ सी एनिमेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अपना देखो इसको आपको वॉलपेपर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने गोजो का वॉलपेपर लगा रखा है, तो वॉलपेपर कैसे चेंज होगा वो आप ज़रूर देख कर जाना। फिलहाल यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना एंड अपना कस्टमाइज से जाकर इसकी लॉक स्क्रीन के लिए इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद में कुछ इस टाइप का आपको एक लुक निकल कर आ जाएगा, देख सकते हो। इसके बाद में अपना आइकन्स वगैरह कुछ इस टाइप से लगा लेना जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मैंने अपना गूगल का जो विजिट है इसको ब्लू कर लिया है, तो आप लोग ये कर लोगे सेटिंग से जाकर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अपने बारी आ जाती है वॉलपेपर्स को अप्लाई करने की, तो वॉलपेपर सिंपली अपना अप्लाई कर देना, थोड़ा सा जूम या फिर एडजस्ट वगैरह आप करना चाहो तो कर सकते हो, अपना प्रीव्यू के साथ में वॉलपेपर को अप्लाई कर लेना इसको जिस टाइप से। तो होम स्क्रीन पर तो अपना गाइस वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा एंड इसके बाद में रह जाता हमारा लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर। तो इसको मैं कैसे अप्लाई करता हूँ ये आप लोग देख कर जरूर जाना। एंड यहाँ पर देखो बात करूँ अपनी इस विजिट की जो मैंने यहाँ पर लगा रखी है, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है गाइस तो जल्दी से मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, 60,000 के काफ़ी ज़्यादा करीब है। एंड इस वीडियो के बाद में मेरी बाकी की वीडियोज़ भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, स्पेशल अगर आपके पास में Xiaomi Redmi Poco का कोई डिवाइस है तो काफ़ी अमेजिंग से आपको वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइक। फिलहाल आपको बताता हूँ विजिट लगानी कैसे है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे दो चीज़ें डाउनलोड कराई थी उनको डाउनलोड करने के बाद अपने विजिट सेक्शन में चले जाना, यहाँ पर आपको सबसे नीचे KWGT के साइज़ वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, तो 4x2 या 2x4 कोई भी आप साइज ले सकते हो। यहाँ पर आपको स्ट्रेच करके ना कुछ आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है, ठीक है, अपना इस एरिया में। इसके बाद में अपना टैप करके एंटर कर जाना KWGT में। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा गाइस इंस्टॉल पैक, तो इंस्टॉल पैक के अंदर आपको ग्रेडियंट KWGT पैक जो मैंने डाउनलोड करा था ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पैक के अंदर आने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ विजिट देखने के लिए मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा विजिट नहीं है, आपको इजीली ये वाली विजिट मिल जाएगी, बट फिर भी अगर नहीं मिलती तो 22 इस थीम का नाम या फिर नंबर आप कह सकते हो, ठीक है, इसको सर्च कर लेना, ये वाली विजिट आ जाएगी आपके सामने। अब इसको हम एडिट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जो बैकग्राउंड में जो कलर वगैरह इसको चेंज करना, बस नीचे आपको सारे सिस्टम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बैकग्राउंड जो है वो आपको रेक्टेंगल नाम से मिल जाएगा शेप में इस टाइप से, ठीक है, तो इसके अंदर आना है आपको। एंड यहाँ पर पेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो पेंट में आकर इसको चेंज कर देना, ठीक है, स्काई ब्लू टाइप का जो भी आप शेड रखना चाहो रख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर FX भी ऐड हो रखा है, ठीक है, तो FX के अंदर जाना, अगेन यहाँ पर हल्की सी चेंज शेड ले लेना थोड़ी सी, जैसे कि मैं डार्क ब्लू ले रहा हूँ, तो इस टाइप से करके इसको सेव कर देना, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारी विजिट दिखेगी। अब इसके बाद में जो सैटरडे लिखा हुआ है ना इसका कलर भी आपको सेम तरीके से अपना चेंज कर देना पेंट में जाकर, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो 64% जो हमारी बैटरी है वो आपको आइटम्स में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, उसके अंदर आपको जाना है इसकी पोजिशन में जाकर इसको हल्का सा ऊपर की साइड में शिफ्ट कर देना बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड ये करने के बाद में इसका जो कलर है ना उसको भी आप ब्लैक कर देना। अब इतना कर देने के बाद में देखो इसको आपको ऊपर नीचे मूव कैसे करना है वो बता देता हूँ। अपना बैक कर देना, आइटम्स में आ जाना, यहाँ पर जहाँ ये सारे एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे,
तो अपना एक एक करके सब पे टिक लगा देना कुछ इस टाइप से। एंड टिक लगाने के बाद में आप टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे एक प्लस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो आप अपनी पूरी की पूरी विजिट को ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे जो भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो अपना इसको सेट कर देना। एंड बात करूँ देखो इसकी रीसाइज़ की, आपको इसको छोटा बड़ा कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको एक लेयर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेयर के ऑप्शन में आपको जाना है जो कि फिलहाल लॉक है। इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पर इस टाइप से एक टैप करना एंड टॉप राइट साइड में एक और अर्थ का ऑप्शन होगा, इस टाइप से यहाँ पर टैप कर देना। सिंपल है, अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, कुछ इस टाइप से आपकी विजिट दिखेगी इतना सब करने के बाद में। एंड अगर इतना सब आपको नहीं करना तो आपकी मर्जी की बात है भाई, कोई भी ईजी विजिट आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब इतना देखो ये सब होने के बाद मैं बात करूँ अपनी लॉक स्क्रीन की, तो इस लॉक स्क्रीन के अंदर एक ब्लरी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस टाइप से जब भी आप अपना डिवाइस को अनलॉक करोगे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तीन आइकन दे रखे हैं जिस पर आप टैप एंड होल्ड करोगे तो आपको कुछ डिटेल दिखाएंगे, जैसे कि ये वेदर की, ये अपनी बैटरी परसेंटेज की एंड अपने लास्ट वाली होगी गाइस टाइम की। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ दिखा रहा है, राइज वगैरह सनराइज जो भी होता है जिस टाइम पर भी, ठीक है, वो सब दिखा रहा है। एंड मुझे यार ये काफ़ी सही लगा, फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है बट हाँ अच्छा लग रहा है। फिलहाल ये जो एनिमेशन है ये मुझे अच्छी लगी। फिलहाल देखो बात करूँ इसको वॉलपेपर को आपको चेंज करना कैसे है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में आपके सामने यहाँ पर आ गई होगी, उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपना किसी भी लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। फिलहाल अपना थोड़ा सा सिस्टम वगैरह अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से आपको डायलर देखने के लिए मिल जाएगा, जिन लोगों के डिवाइस में MIUI डायलर है, यार ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हल्का सा ब्लैक एंड व्हाइट है, ऑफ व्हाइट कलर जैसा कि मैंने कहा था अपना वॉलपेपर में मैंने यूज़ किया बैकग्राउंड में, वैसे ही इसकी सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी आपको, जो कि मुझे सेटिंग भी यार काफ़ी अच्छी लगी एंड ओवरऑल एक अच्छा लुक देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल ये इसका कंट्रोल सेंटर है जो कि हर काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया, बट यहाँ पर आपको इसके नोटिफिकेशन सेंटर में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर चेंज ना ही हो वही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर भाई अपनी नोटिफिकेशन देखने में ना प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। फिलहाल देखो ये सेटअप अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस इस टाइप की वीडियोज़ इन फ्यूचर में देखने के लिए। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। फिलहाल देखो लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। फिलहाल मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।